भारतीय बहुमत। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी इस बार ये सीट जीतेगी, योगी आ जाए यहाँ, मोदी यहाँ अनंतमय है, अनंतमय है, अनंतमय। बीजेपी से कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। तो ललन सिंह साथ आ गए, सूरजभान सिंह साथ आ गए, वो भी आ जाएंगे, अनंत सिंह यहाँ है, अनंत सिंह ही जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम मोकामा में हैं और मोकामा में लोगों का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार मोकामा की जनता किसे चुनेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है, या फिर अनंत सिंह एक बार फिर भारी पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। हमारे साथ मोकामा के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोगों की व्यस्तता, आप जानते हैं लोक आस्था का महापर्व छठ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज खरना का दिन है, तो लोगों की व्यस्तता उस तरफ भी है, लेकिन मोकामा तो मोकामा है। मोकामा की सियासत पर उसका कोई असर नहीं होने वाला, यहाँ की सियासत में गहमागहमी छठ के दौरान भी है। हमारे साथ कई लोग हैं। मोकामा इस बार किसका होगा, भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी या अनंत सिंह भी इस बार ऐसे ले जाएंगे? अनंत सिंह निकलेंगे, अनंत सिंह निकलेंगे, भारी बहुमत। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बीजेपी इस बार ये सीट जीतेगी, योगी आ जाए यहाँ, मोदी यहाँ अनंतमय है, अनंतमय है, अनंतमय। बीजेपी से कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। तो ललन सिंह साथ आ गए, सूरजभान सिंह साथ आ गए, वो भी आ जाएंगे, अनंत सिंह यहाँ है, अनंत सिंह ही जीतेंगे, अनंत सिंह जीतेंगे। हाँ, मोकामा का विकास किया, विकास पुरुष है अनंत सिंह। हाँ, पटना में लेकिन बड़ी चर्चा है, वो ललन सिंह नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच दूरियां थी, वो मिट गई हैं, दोनों साथ आ गए हैं। ललन सिंह नीलम देवी के लिए प्रचार कर रहे थे। हाँ, तो प्रचार करेंगे नहीं तो? हाँ, हमारा पार्टी में है तो प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, जेडीयू में है, जेडीयू में है, आज महागठबंधन हुआ था, महागठबंधन में तो ललन सिंह के प्रचार करने से भी कुछ फायदा, बहुत फायदा है, बहुत फायदा, बहुत फायदा है। बीजेपी का ये चिराग पासवान भी आएंगे प्रचार करने, कोई भी आ जाएगा यहाँ, अनंत में रहेगा, अनंत में रहेगा। देखिए, और भी कुछ लोग हैं, लोगों की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा बताइए, इस बार अनंत सिंह या बीजेपी? हम लोग बुझाइए ले, अब नहीं बुझते हैं जी, नहीं मोकामे से हैं, मोकामा की, मोकामा के लोग तो राजनीति खूब समझते हैं। हमारे मोकामा नहीं घर, हमारे मराठी घर, मराठी घर है। देखिए, आप बताइए भाई साहब, या कोई और? बीजेपी अनंत सिंह का है, अनंत सिंह, अनंत सिंह सब सब दिन जीतते आए हैं, गरीब तमाशिया है उनका, भारतीय जनता चर्चा उसी का। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सीट हमारे खाते में नहीं जाती थी, जेडीयू की ये सीट लड़ती थी, अब हम लड़ रहे हैं, इसलिए हम जीतेंगे सीट। अनंत सिंह जीतेंगे। देखिए, हमारे साथ और भी हैं, मोकामा की लड़ाई कौन जीतेगा, मोकामा कौन जीत रहा है? तो अनंत सिंह का हवा है, अनंत सिंह का हवा है, अनंत सिंह जीतेंगे। काहे अनंत सिंह जीतेंगे? अभी हम कैसे कह सकते हैं भाई की काहे जीतेगा अनंत सिंह, हवा तो अभी सब दे रहा है कि अनंत सिंह, अनंत सिंह, अनंत सिंह जीतेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम जीतेंगे, हमारा पलड़ा भारी है। अब वो तो काउंटिंग के बाद समझ में आएगा कौन जीतेगा, काउंटिंग के बाद समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये पूरा जो इलाका है अनंतमय है, और बीजेपी चाहे मोदी योगी को लड़वा ले, अनंत सिंह ही यहाँ से जीतेंगे। देखिए, कौन जीता हमारे साथ में, पटना तक बड़ा सूर है मोकामा के उपचुनाव का, चचा कौन जीत रहा है मोकामा? अनंत सिंह, अनंत सिंह जीत रहे हैं, उन्हीं को वोट पड़ेगा, उन्हीं को वोट पड़ेगा, बीजेपी को नहीं, बीजेपी को कहे नहीं, बीजेपी अनंत सिंह यहाँ काम किया है, गरीब गुरबा से भलाई करता जी, गरीब गुरबा को बेवकूफ करता है। चलिए, यहाँ के लोगों के राय जानने की कोशिश हम कर रहे हैं, हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी, ये सफर आगे भी बढ़ेगा। कौन जीत रहा है मोकामा, मोकामा कौन जीत रहा है? मोच वाला, तो मोकामा मोच वाला जीतेगा। चलिए, इस रिपोर्ट में, इस बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।